أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون دنیا میں ہر مشین کے چلنے کے لیے एक ईंधन दरकार हुआ करता है और ये दो किस्म के ईंधन हैं, एक वो जो अंदरूनी तौर पर काम करते और हरकत देते हैं, एक वो किस्म है जो बाहर से खींचते हैं या धकेलते हैं। इंसानी आमाल को हरकत देने के लिए भी इसी किस्म की दो तवानाई के सरचश्मे हैं। अंदरूनी तौर पर मोहब्बत और नफरत, ये दो ही ताकतें हैं जो इंसानी अमल को हरकत देती हैं, और बैरूनी तौर पर तमा और खौफ, ये दो ताकतें ऐसी हैं जो इंसानी अमाल को खींचती या धकेलती हैं। कुरान करीम ने इन दोनों का अलग अलग जगह बेहद ही प्यारे हिकमत के अंदाज में जिक्र फरमाया और बताया कि मोमिन पर ये कुव्वतें किस तरह अमल करती हैं। ये आयत जो मैंने तिलावत की है, इसमें मुअख्खरु जिक्र दो ताकतें यानी खौफ और तमा का जिक्र फरमाया गया है कि मोमिन पर खौफ और तमा दुनिया वालों के खौफ और तमा के मुकाबले पर किस तरह असरअंदाज होता है। फरमाया इन दोनों ताकतों का रुख अल्लाह की जानिब है जहां तक मोमिन का ताल्लुक है, और कभी किसी गैर का खौफ उसे किसी हरकत पर आमादा नहीं करता।
जहां तक उसकी तमा का ताल्लुक है वो भी खालिसतन अल्लाह ही की तरफ रुख किए हुए होती है, और कभी किसी हालत में भी गैरुल्लाह की लालच उसे किसी हरकत पर आमादा नहीं करती। और जहां तक खुदा के खौफ और खुदा की तमा का ताल्लुक है वो मोमिन की जिंदगी पर इस शिद्दत से कब्जा कर लेते हैं कि ना उसे दिन को चैन आता है ना रात को, और जब दुनिया अमन से सोई होती है वो बेकरार होकर बिस्तरों को छोड़ देते हैं। यदून रब्बहुम खौफं व तमान, अपने रब को खौफ से भी पुकारते हैं और तमा से भी पुकारते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और फिर हम जो उन्हें अता करते हैं वो आगे दुनिया में खुदा की राह में खर्च करते हैं। इसके मुकाबले पर जहां तक दुनिया की कुव्वत अमल का ताल्लुक है वो हर सूरत में गैरुल्लाह के खौफ से चलती है और गैरुल्लाह की तमा में हरकत करती है। चुनांचे इन बंदों को छोड़कर उनका भी जिक्र कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात में किया गया है और उनका क्या अंजाम होता है उस पर भी रोशनी डाली गई है। मसलन एक इंसान, एक बच्चा जब खौफ की हालत में होता है तो उसके जहन में सबसे पहले मां का ख्याल आता है। वो जंगल में हो बियाबान में हो, उसे इल्म भी हो कि मां उसकी आवाज नहीं सुन सकती, तब भी लाजिमन बेख्तियार उसके मुंह से मां का लफ्ज निकलेगा। यह उसके दिल की सच्चाई है जो उसे मां को बुलाने की तरफ पर आमादा करती है। हो सकता है एक बेटा अपने बाप को पुकारे। वो कौमें जहां पुलिस का निजाम अच्छा है जब भी खौफ में मुबतला होती हैं सबसे पहले उनके जहन में पुलिस का ख्याल आता है। जगह जगह टेलीफोन नंबर लगे होते हैं पुलिस के, उनके घरों में भी आवेजा रहते हैं, और जहां खतरा लाहक हुआ वहां फौरी तौर पर उस नंबर को डायल कर दिया। तो हर शख्स के खौफ के लिए उसका एक रब होता है, और अचानक फौरी तौर पर जब भी खौफ लाहक हो बेख्तियार वही वजूद उसके जहन में आता है जो उसके नजदीक सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो सबसे ज्यादा इस काबिल है कि उसे उस खौफ से निजात बख्शे। पुराने जमानों में लोग बादशाह की दुहाइयां दिया करते थे, और ऐसे मौके पर भी तारीख से साबित है जब औरतों को इल्म था कि हमारी आवाज बादशाह तक नहीं पहुंच सकती, सैकड़ों मील दूर कैद खानों में डंजियंस में पड़ी हुई होती थी और आवाजें अपने बादशाह को दिया करती थी। चुनांचे इस्लामी तारीख से भी साबित है कि एक ऐसी ही औरत की आवाज जो किसी ने सुनी और बादशाह तक पहुंचाई तो उस आवाज की गैरत दिखाते हुए फिर उसने लश्कर कशी की और उस हुकूमत को मजबूर कर दिया कि उस मजलूम औरत को आजाद करे। लेकिन ऐसे तो इत्तेफाक ही होते हैं सैकड़ों में हजारों में एक दफा कि वो आवाज उस जगह तक पहुंच जाती है जहां तक पहुंचाना मकसूद हो, लेकिन अक्सर आवाजें सदा व सहरा साबित होती हैं। पुकारने वाला पुकारता रह जाता है और सुनने वाला कुजाए कि उसकी मदद कर सके उसकी तकलीफ से ही गाफिल रहता है। और अगर गफलत ना भी करे तब भी ज्यादा इम्कान इस बात का है कि वो इस बात का अहल ना हो कि वक्त के ऊपर उसकी तकलीफ को दूर कर सके। चुनांचे इसी मजमून पर गालिब ये कहता है कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मुझे मालूम है मेरे महबूब कि मैं उससे तुझे इतना प्यार है कि मेरी दर्द की पुकार जब तुम तक पहुंचेगी तो बेख्तियार दौड़ोगे, लेकिन तुम भी इंसान हो और बेबस हो। मेरी तकलीफ तो इतनी ज्यादा है कि तुम्हें खबर पहुंचने तक ही मैं जलकर खाक हो चुका हूंगा। तो दुनिया वाले दुनिया वालों ही को पुकारते हैं, लेकिन अक्सर सूरतों में वो पुकार जाया जाती है और बेकार चली जाती है, और जहां तक पहुंचाना मकसूद हो वहां तक पहुंचती ही नहीं। वहां पहुंच जाए तो फिर उसके जवाब में इमदादी कार्रवाई या ताखीर से आती है या मदद करने वाला इस बात का अहल ही नहीं होता कि वो मदद कर सके। एक ही जात है और वो हमारे रब की जात है, जिसे आप जब पुकारेंगे वो हमेशा उसको मौजूद पाएंगे।
मख्फी से मख्फी आवाज भी ऐसी नहीं जो उस तक ना पहुंचे। दिल की गहराइयों में पैदा होने वाले, करवटें लेने वाले ख्याल भी उस तक पहुंचते हैं। चुनाचे जिस पुकार का यहां जिक्र किया गया है वो भी एक तन्हाई की अंधेरे की पुकार है। फरमाया ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजे यदून रब्बहुम खौफुम वतमान। ये मेरे बंदे ऐसी हालत में हमें पुकारते हैं कि कोई दुनिया में उनको देख नहीं रहा होता, कोई उनकी उनकी आवाज नहीं सुन रहा होता। रात की तारीखियों में ये अपने बिस्तरों को छोड़कर उठ खड़े होते हैं। फरमाता है हम उनकी आवाज को सुनते हैं, हम उनकी मदद को आते हैं। और इसी तरह इनकी तमे भी, अल्लाह ताला फरमाता है इनकी हिर्स व हवा, हर ख्वाहिश हर तमन्ना खुदा ही की तरफ रुख इख्तियार करती है। खौफ में भी उसको पुकारते हैं और तमा में भी उसी को पुकारते हैं। और दुनिया की हालत इसके बिल्कुल बरक्स है। एक इंसान, एक बच्चा इम्तिहान में बैठता है, अगर दुनियादारी उस पर गालिब होगी तो वो ये सोचेगा कि मैं किस तरह मुमतहिन तक पहुंचूं, किस तरह सिफारिश करवाऊं, किस तरह कोशिश करूं कि मेरे अच्छे नंबर आ जाएं। लेकिन सैकड़ों हजारों अहमदी बच्चे हैं जिनके दिमाग में सबसे पहले यह ख्याल आता है कि मैं दुआ के लिए खत लिखूं। चुनाचे जब ये दुआ के खत आते हैं तो मेरी रूह बड़ी लज्जत महसूस करती है इस ख्याल से कि हर लिखने वाले के दिमाग में पहला ख्याल अपने रब का आया है। और ये मासूम बच्चे उस फौज में दाखिल हो गए हैं जो यदून रब खौफम व तमाम वाली फौज है। इसी तरह तरबियत पाते हुए जब ये बड़े होंगे तो हमेशा इन पर अपने रब का ख्याल गालिब रहेगा, और वही ये ख्याल है जो इनकी रूह पर कब्जा किए रखेगा। इसी तरह बाद लोग हैं जो रिश्वत को खुदा बना लेते हैं और सोचते हैं हर हिर्स के वक्त के रिश्वत देकर काम चलाएंगे। बादों ने सिफारिशों को खुदा बनाया हुआ होता है, बादों ने दोस्तियों को खुदा बनाया हुआ होता है, और हर जायज और नाजायज जरिए को इख्तियार करने से वो गुरेज नहीं करते। हर हालत में किसी तरह उनकी हिर्स पूरी होनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है इसके बरक्स मेरे वो बंदे हैं जो रातों को उठते हैं और हर तमा का रुख मेरी जाने फेर देते हैं। वो कहते हैं खुदा हमारा और कोई नहीं है, ना हमें किसी दोस्ती की परवाह है, ना उस पर एतमाद, ना हम नाजायज तरीके इख्तियार कर सकते हैं क्योंकि तूने मना कर दिया है। इस बेबसी की हालत में हम तेरी ही तरफ झुकते हैं और तुझे ही पुकारते हैं कि तू हमारी मदद फरमा। उसके बाद खुदा ताला ये नहीं फरमाता कि फिर हम उनकी दुआओं को कबूल करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। ये एक गोया अंडरस्टूड, एक तस्लीम शुदा बात है कि ये दुआएं लाजमन कबूल होंगी। फिर आगे उनके अमल का जिक्र फरमा दिया है, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। ये तो हो नहीं सकता कि इनको रिज़्क़ अता ना किया जाए आसमान से। और इनको भी देखो कि चूंकि इनका वास्ता एक लामुतनाही रिज़्क़ के सरचश्मे से हो चुका होता है, इसलिए आगे ये बंदगाने खुदा पर या खुदा की राहों पर खर्च करने से खौफ नहीं खाते। एक जारी चश्मा है जो खुदा से पाते हैं और आगे जारी हो जाता है। बड़ी नौ इंसान के लिए भी ये लोग खर्च करते हैं बेदरेव होकर, और खुदा की राहों पर भी बेदरेव होकर खर्च करते हैं, क्योंकि उनको इल्म होता है कि जिस वक्त उन्होंने खुदा को पुकारा था उनके पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ अता हुआ है वो खुदा की तरफ से हुआ है, क्योंकि किसी बंदे को उन्होंने अपनी जरूरत पेश नहीं की थी। तो जब खुदा की तरफ से अता हुआ है तो वही जामिन है, वो इसको नहीं खत्म होने देगा तो नहीं खत्म होने देगा। वो मालिक है, लामुतना ही रिज्क उसके पास है। अगर वो फैसला करे कि ये रिज्क खत्म नहीं होगा तो वो रिज्क खत्म नहीं होगा। बस खुदा की राह में वो खर्च करते हैं, और जो वो खुदा की राह में खर्च करते हैं वही है पाक कमाई, जिसके मुतल्लिक यकीन के साथ कहा जाता है कि यह खुदा का फजल है, अल्लाह की तरफ से आया है। बाकी हर कमाई ऐसी होती है जिसके मुतल्लिक कोई नहीं कह सकता कि यह खुदा का फजल है। चुनांचे आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना। आम बंदों का तो यह नक्शा है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी और गुलामों का यह हाल है
कि ये सवाल उनके लिए नहीं है कि रात को उठें और फिर दुआएं करें। तू जब उनको देखेगा हमेशा रुकू और सुजूद की हालत में पाएगा। बज़ाहिर उनके जिस्म कामों में मसरूफ होंगे, सीधे फिर रहे होंगे, लेकिन अल्लाह जानता है कि उनकी रूहें हमेशा खुदा के हुजूर रुकू और सजदे की हालत में पाई जाती है। यब्तगूना फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, वो अल्लाह ही से उसका फजल मांगते हैं और उसी की रजा चाहते हैं। बस ऐसे लोगों के हाथों से जो रिस्क निकलता है दूसरों के लिए, हाँ वो बनी नौ इंसान के लिए जारी हो या अल्लाह की राहों में खर्च करने के लिए अता दिया जाए, ये वो खालिस और पाक रिज्क है जो अल्लाह से आता है। इस चश्मे में किसी गंद की मिलौनी नहीं है और ये वो रिज्क है जो खत्म नहीं होता, और खुदा की तरफ से इस बात की जमानत है कि कभी खत्म नहीं किया जाएगा। अगर आप गौर करें तो हकीकत में यही वो बंदे हैं जो खुदा के आजाद बंदे हैं, क्योंकि दुनिया की तरफ देखकर दुनिया के सामने हाथ फैलाने वालों की तकदीर में तो कभी ऐसा जारी रिज्क नहीं आता। वो तो हजार मुसीबतों और मुश्किलों में मुबतला रहते हैं, खा वो अफराद हों खा वो कौमें हों, और कभी भी वो तस्कीन नहीं पाते। अपने खौफों के वक्त दुनिया को बुलाने वाले अगर उनकी आवाज पर लबैक भी कहा जाए तब भी इत्मीनान नहीं पा सकते कि वाकईतन उनका खौफ दूर कर दिया जाएगा। हजार मसाले हैं दुनिया वालों के जो आड़े आ जाते हैं, दोस्तों को भी उनको छोड़ना पड़ता है, कहीं कौमी मसाले के नाम पर, कहीं बैनुल अक्वामी हालात के नाम पर सारे मुआहदे तरक कर दिए जाते हैं और वक्त के ऊपर कौमें कौमों की मदद नहीं करती। उस सूरत में भी एक ही जात है और वो खुदा की जात है जो बहरहाल हर सूरत में लाजिमन कामिल वफा के साथ अपने बंदे की मदद के लिए आती है। तो तमा हो या खौफ हो, दोनों सूरतों में वो एक ही काबिल एतमाद हस्ती और काबिल एतमाद दोस्त है, यानी रब हमारा, जो हर मुश्किल में हमारे काम आ सकता है। चुनांचे खुदा ताला ऐसे लोगों का जिक्र करते हुए जो गैरों को पुकारते हैं उनका अंजाम इस तरह बयान फरमाता है, वल्लज़ीन यदून मिन दूनही ला यस्तजीबून लहू बिशैइन इल्ला कबासित कफ़ैहि लिलमा यब्लु अफ़ाहु वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़ुलाल। कि वो लोग जो खुदा के सिवा गैरों को पुकारते हैं उनकी हालत सवाए इसके नहीं होती और वो पुकारे जाने वाले इसके सिवा उनको जवाब नहीं दे सकते इस तर्ज के सिवा कि जैसे कोई पानी की तरफ हाथ बढ़ाए इस नीयत से कि वो पानी उसके होंठों तक पहुंच जाए और उसकी प्यास को बुझाए। वमा हुआ वे बाले रहे, लेकिन ऐसा ना हो सके और प्यासा अपना हाथ बढ़ाता चला जाए लेकिन पानी उसके करीब ना पहुंचे और उसकी होंठों तक पहुंचकर उसकी प्यास ना बुझा सके। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़ुलाल, अल्लाह फरमाता है कि काफिरों की दुआ सवाए गुमराही और बेकार जाने के और कोई हैसियत नहीं रखती। अब इस नक्शे को आज आप दुनिया की कौमों पर चिस्मा करके देखें तो देखिए कैसा हैरत अंगेज तौर पर यह मजमून सादिक आता है। जितनी भी दुनिया की कौमें हैं जब उनसे लोग मांगते हैं तो साथ स्ट्रिंग्स अटैच करते हैं, उसके साथ कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं, उनके गर्दनें आजाद नहीं की जाती बल्कि उनकी गर्दनें गुलाम बनाई जाती हैं, और देने वाले इस तरह पर मदद करते हैं कि लेने वाला कभी भी उनकी मदद से फिर आजाद ना हो सके। आज तक इस नए दौर में एक भी कौम आपके सामने ऐसी नहीं आएगी जो इसने गैरों के लिए की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया हो दुनिया की अजीम कौमों की तरफ और फिर वो आजाद हो गई हो उस मदद से। दिन ब दिन सूद के शिकंजों में जकड़ी जाती हैं, कर्ज के शिकंजों में जकड़ी जाती हैं,
जो कारखाने वहां बनाए जाते हैं उनके स्पेयर पार्ट्स ही मांगते मांगते उनकी उम्रें गुजर जाती हैं, और एक दिन भी उनकी किस्मत में ऐसा नहीं आता कि वो आजाद हों। हर कौम, हर गरीब मुल्क की यही तकदीर है जो आज चल रही है। वो समझते हैं कि अब ऐसा साल चढ़ेगा कि हमारी प्यास बुझेगी और हमारी कौमी जरूरत पूरी होगी, पर अब ऐसा साल आएगा कि हमारी प्यास बुझेगी और हमारी कौमी जरूरत पूरी होगी, लेकिन वो साल उनसे आगे आगे भागता रहता है। एक ही है देने वाला, जिसकी अता के साथ कोई स्ट्रिंग नहीं, कोई कैद नहीं है। वो अता फरमाता है और मुस्तग्नी हो जाता है इस बात से कि तुम शुक्र भी अदा करते हो कि नहीं, और बाज़ दफा ऐसी हालतों में भी अता करता है कि जानता है कि तुम ना शुक्र हो गए। उनको भी अता करता है जो उसकी हस्ती का इनकार कर रहे होते हैं। अजीब जात है वो। फरमाता है कि उसकी तरफ जाओ जिसकी सिफात ये हैं, जो लामुतना ही खजानों का मालिक है और लाजमन पुकारने वालों की पुकार को सुनता है। तुम किधर दुनिया की तरफ जाकर, दुनिया की तरफ दौड़कर खुद अपनी हलाकत के सामान कर रहे हो। शराब है ये, इससे ज्यादा उसकी कोई हकीकत नहीं है। और ये बयान करके अल्लाह ताला बड़े ही प्यारे रंग में इन लोगों की जजा बयान फरमाता है कि जो लोग मेरी खातिर उठते हैं मैं उन्हें क्या जजा देता हूं। फरमाता है कि फला तालमो नसू मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रते आयुनिन जज़ाउन बिमा कानू यामलून। कि किसी आंख ने वो तस्कीन कल्ब नहीं देखी, कोई तसव्वुर उस आंखों की ठंडक तक नहीं पहुंच सकता जो हम इन बंदों को अता करते हैं, क्योंकि ये उनकी खातिर छुपा के रखी गई। अब मजमून देखें, फसाहत और बलागत का कैसा कामिल है, कैसा प्यारा अंदाज है अल्लाह ताला का। पहले ये फरमाया था कि ये मेरे बंदे रातों को दुनिया से छुप कर मेरी राह में आंसू बहा रहे होते हैं, इख्फा करते हैं। जब लोगों को इल्म ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, उस वक्त ये रातों को उठते हैं और मेरे हुजूर हाजिर हो जाते हैं, तो इनकी जजा भी तो मिलती जुलती होनी चाहिए। फरमाया जिस तरह इनके आंसू छुपते हैं दुनिया से, मैं इनकी नेमतों को दुनिया की नजर से छुपा देता हूं और सिर्फ इन पर खोलता हूं, और मेरे और इनके दरमियान एक ऐसा प्यार का रिश्ता कायम हो जाता है कि दुनिया वाले कुल्लियतन बेखबर रहते हैं कि क्या वाकया हो गया। वो गरीब खुदा के दरबार में हाजिर होते हैं और मुतमवल होकर वापस लौटते हैं। वो खाली दामन लेकर जाते हैं और दुनिया और माफिया और दुनिया और आखिरत के सारे खजाने लूटकर वापस आ जाते हैं, और उनके दिल में एक ऐसा सुरूर होता है कि दुनिया वाले उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो जैसे उनके आंसू छुपे हुए थे, वैसे ही उनकी लज्जतें भी खुदा प्यार और मोहब्बत के इजहार में दुनिया वालों से छुपा देता है। और तर्ज बयान यह है कि दुनिया की गंदी आंखें इस काबिल नहीं है कि उनकी लज्जतों पर नजर डाल सके। ये खुदा के पाक बंदे हैं, इनकी लज्जतें भी पाक हैं, और दुनिया तो इस बात की भी अहल नहीं है कि मालूम करे कि इनको क्या आता हुआ है। इन बंदों की तरफ से जो खुदा की राह में खर्च किया जाता है, मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, लाजिमन यही वो रिज्क है जो पाक रिज्क है, जिसमें कोई दुनिया की मिलौनी नहीं है। और आप गौर से देखें तो इससे ज्यादा इंसान की आजादी का तस्वुर मुमकिन नहीं है जो इन आयात में पेश किया गया है। सारी दुनिया की तमा से जो आजाद हो जाए और सिर्फ एक जात के साथ अपनी तमा को मनसूब कर दे, वही है जो आजाद मर्द है। एक ऐसी गुलामी है जो हजार हा गुलामियों से निजात बख्श रही है। वो इस बात पर इन्हिसार नहीं करता कि तेल की दौलत पर उसका कब्जा होता है कि नहीं, वो इस बात पर इन्हिसार नहीं करता कि दुनिया की सोने और जवाहरात की कानें उसके कब्जे में आती हैं कि नहीं, वो इस बात से मुस्तग्नी होता है कि अमेरिका उसका दोस्त है या रूस उसका दोस्त है या चीन उसका दोस्त है या जापान उसका दोस्त है। एक ही गुलामी है जो जिसके सामने उसका सर झुकता है, वो अपने रब की गुलामी है, और हर दूसरी गुलामी से ये गुलामी उसको आजाद कर देती है। और यही हाल उसके खौफों का है। खौफ की हालत में उसे चीन की तरफ नहीं देखना पड़ता,
खौफ की हालत में उसे अमेरिका पर बिना नहीं करनी पड़ती, खौफ की हालत में वो इंग्लिस्तान की दोस्ती पर इंहिसार नहीं करता, वो ये नहीं देखता कि रूस कब उसकी मदद के लिए आएगा या चीन कब अपनी फौजें भेजेगा। वो जानता है कि वो रब जिसने मुझे जमानत दी है ला खौफ उनकी, वो हर आन मेरे करीब है, और पेश तरीके के दुश्मन मुझे गजन पहुंचा सके आसमान से उसकी फौजें उतरेंगी, और मुमकिन नहीं है कि दुश्मन पहल कर जाए और वो देर में आए। ऐसी अजीमुशान जमानत जिस कौम को हो आजादी की, उसके सिवा कोई कौम आजाद है ही नहीं। हकीकत यह है कि दो ही दुनिया में कौमें हैं, जिस तरह जोग्राफियाई तकसीम होती है उस तरह रूहानी तकसीम में दो ही किस्म की कौमें हैं, एक गुलाम कौमें हैं और एक आजाद कौम है। गुलाम कौमें वो सारी कौमें हैं जो खौफ और तमाम में गैरुल्लाह की तरफ देखा करती, कोई भी उनमें से आजाद नहीं है। जो बजायर आजाद नजर आते हैं, अगर हकीकत में आप उनका जायजा लें तो वो भी आजाद नहीं है। अमेरिका को आप आजाद समझते हैं, लेकिन चूंकि उनकी तमा गैरुल्लाह की तरफ है, सारी कौम किसी न किसी गुलामी में बंधी हुई है। हिर्स व हवा के चक्रों में, गुनाहों के चक्रों में हजार किस्म के कैदे हैं जिनमें वो मुब्तला हैं और जकड़े गए हैं। दिन ब दिन वो अपनी इस तकलीफ को महसूस करते चले जाते हैं। कितनी बड़ी आजाद कौम है, लेकिन तमाम की तमाम कौम किसी न किसी अजाब, किसी न किसी मुसीबत, किसी बंधन में पकड़ी गई है, और बजाहिर बेखौफ हैं क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर कौम है, लेकिन इतना खौफ है उस मुल्क में इसके बावजूद कि खौफजुदा होकर पागल होने वालों की तादाद दुनिया के सब मुल्कों से ज्यादा है। ना अंदरूनी खौफ उनको छोड़ रहा है, ना बैरूनी खौफ छोड़ रहा है। तो एक ही कौम है जो आजाद है, वो राय जमात अहमदी है, वो तुम हो और तुम हो और तुम हो, क्योंकि तुम वो हो जो हमेशा रातों को उठकर अपने खुदा की तरफ तमा के साथ देखती हो, और हमेशा रातों को उठकर खुदा की तरफ अपने खौफ को अमन में बदलने के लिए रोते और गिरियाजारी करते हो। यही दो कौमें हैं जो हमने देखी हैं कुरान करीम में, और यही दो कौमें हैं जो हमेशा क़यामत तक बरसरे बेकार रहेंगी। एक वो जो कुरानी इस्तिलाह में आजाद कौमें हैं, खुदा के हजूर गर्दन झुकाती हैं और हर दूसरे से उनकी गर्दन आजाद की जाती है। एक वो जो खुदा की तरफ तमा से देखती हैं और खुदा के सिवा हर दूसरे हिर्स से उनका दिल पाक और आजाद कर दिया जाता है। और उनकी इज्तमाई शक्ल है जमात अहमदिया, और इसके सिवा दुनिया में हर कौम आपको दुनिया के गुलाम नजर आएगी। अजीब जुल्म है, अजीब तमस्कर की हद है कि इस कौम के मुतल्लिक कहा जाता है कि इसको अंग्रेजों ने लगाया था, या फलां ने इसको खड़ा किया, या फलां की पैदा करता पौधा है, फलां का खुद काश्ता पौधा है। जिसका खुद काश्ता पौधा हो, हिर्स की तरफ उसकी तरफ देखा जाता है, जिसका खुद काश्ता हो खौफ से बचने के लिए उसको पुकारा जाता है। कोई आए तो सही, कभी रवा की गलियों में रातों को फिर के तो देखे कि रोने वाले और गिरिया और जारी करने वाले किसको पुकार रहे होते हैं। क्या खुदा के सिवा भी कोई नाम जारी होता है अहमदी दीवान पर? क्या खुदा के सिवा भी किसी दरगाह पर आंसू बहाने वाला मिलता है? बस एक ही है आजाद कौम आज दुनिया में, और वो खुदा के फजल और रहम के साथ जमात अहमदिया है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस मजमून को बड़े ही प्यारे रंग में एक शेर में यूं बयान फरमाया कि छू के दामन तेरा हर दाम से मिलती है निजात, लाजरम गैरों से दिल अपना छुड़ाया हमने, छू के दामन तेरा हर दाम से मिलती है निजात, लाजरम गैरों से दिल अपना छुड़ाया हमने, दिलबरा मुझको कसम है तेरी अकताई की, आपको तेरी मोहब्बत में भुलाया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر